समी भाई साहब एक मिनट समझ बैठिए, क्या गजीट है? वफ़की नहीं है कोई बोला? मैं बोला, आपने बोले सर, आपने बोले सर। एक मिनट ठहरिए, वफ़की प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वफ़ रहती, कोई भी आके टेम्पररी खुश हो जाना, मेरे बयाना भी वही रहते हमेशा, हमेशा आपके मरे तक वफरे थी, क्यामत तक वफरे थी, आप रहो या मैं रहो, नुक्त रहो, वफ प्रॉपर्टी को कोई भी डैमेज नहीं कर सकते, सेंट्रल एक्ट है ये, समझे आप? और जो भी करा उसको पनिशमेंट देना ही देना है, उसको क्रिमिनल केस बुक करना है, उसको जेल को भी जाता है, हम भी नहीं छोड़ते, समझे आप? और आप लोगों का साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला देखिए, और भी जाएगा तो बराबर हम लोग प्रेजेंट क्या करना है, करना क्या है, तुम नको करो, एक एक पूरे इमामी अपने पूरे ईमान वाले और ईमानी जज्बा रखे हुए पूरे आए हैं, कोई आप पॉलिटिक्स नहीं, तो क्या करना है, क्या करना है, बोलिए आगे साफ करना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन करके नमाज कल से लोग गवर्नमेंट को बदनाम करना चाह रहे, गलत है। और हमारी गवर्नमेंट ऐसी है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है हमारी, क्योंकि केसीआर साहब खुद हर कल्चर से वाकिफ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके हर इबादत गाह का एहतराम करना, हमारे केसीआर साहब खुद इंस्ट्रक्शन ऑफिसरों से लेके हर एक को दिए है। बट जो भी वहां पर डिमोलिश करे है उन लोगों के ऊपर भी जो है ना क्रिमिनल केस बुक होना, क्योंकि वफ प्रॉपर्टी है, ऑलवेज वफ रहती हो। और दूसरी बात यह है कि जो घर वाला जो घर में मस्जिद को छुपा के रखा था सबसे एक करके, उसके ऊपर भी क्रिमिनल केस बुक होना, जो भी वहां पैसे लिए उसके ऊपर 420 में केस बुक हो गया, उसको अरेस्ट करना, उसको ये केसा हम लोग लेटर भिजा के इंशाल्लाह उन लोगों के ऊपर केसेस बुक कराएंगे। और वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद रहेंगी बराबर इंशाल्लाह, 24 घंटे गुजर गए, घंटे हो गए, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट दिए हुए, पुराना कंप्लेंट है, 7 महीने पहले का, अभी इसमें ही पब्लिक को अभी डीसीपी साहब को बोल दिए केस बुक करा, केस बुक नहीं होता ना सर, तो लेटर जाएगा ना, समझे आप? अभी तो बात बोले अपन, लेटर जाएगा उन लोगों के ऊपर, ऑलरेडी फोन पे तो बोल दिए, ऑलरेडी प्रैक्टिकल में भी लेटर सीओ आपके सामने, उन्होंने बोले सीईओ साहब बोल रहे, वो अपनी है बोले, अरे है जी, नहीं आपका नहीं है, सीईओ और चेयरमैन सीईओ साहब नहीं देखे होंगे ना पेपर, सीईओ साहब पेपर नहीं देखे होंगे, जब गजट देखेंगे सीओ साहब सब चीज देखेंगे, तो उन्होंने भी सब जने एग्री करना पड़ता हो, नहीं साहब जब उन्हें पैसे ले चुके, लालच में नहीं है ना, पपोट की जब लालच में आ रहा तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी बल्दिया को लेटर लिख दिया, ये तो पुराना है, पहले पहले का, लेकिन उन्हें पैसे तो थोड़े दिन पहले, नहीं नहीं उससे पहले लिया या बाद में लिया नहीं मालूम हमको, पर अभी हमारे नॉलेज में आता हूँ, उसको स्ट्रिक्टली जो है, ऐसे कितने जायदाद हैं जो रोड वाइडनिंग में जा रहे हैं, बल्दिया आपके बगैर इनमें लाए काम कर दे, बल्दिया नहीं कर सकती काम, क्योंकि हम कमिश्नर सकती वो अलग, एक मिनट, बल्दिया को भी हम ऑफिसरों को कमिश्नर पुलिस को सबको बुला के हम लोग बात करें, यहाँ पर इससे पहले मीटिंग हुई थी, समझे आप? बल्दिया कोई डिटेल दी क्या? हमारे पास जो डिटेल, एक मिनट, हमारे पास जो डिटेल है वो डिटेल के ऊपर हम लोग बराबर एक्शन ले रहे हैं, हमारी नॉलेज में जो जो चीज आ रही बराबर उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको जो नॉलेज में नहीं है भी तो उसको निकाल के एक एक चीज को हम लोग हासिल कर रहे हैं, उसको वो हासिल करना अलग, बल्दिया को जो है वो लोग मिसगाइड करा, जो घर वाला था वो कि वफ की नहीं है सब प्रॉपर्टी, नंबर अलग डाल के ये हमारी प्रॉपर्टी बोल के क्लेम करा हमने, अब बल्दिया क्या है ग्राउंड में जो है रोड बाइंडिंग के हिसाब में कर दी काम, मगर नहीं कर सकते वो लोग, जबकि हम लोग भी क्लेम करे हुए यहाँ पर, आपका 7 महीने पहले के लेटर की कोई अहमियत नहीं है बल्दिया, नहीं 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 पैसा नहीं रहती, अब वो नहीं है हो गया ना, अरे भाई जो भी है हम उसको पनिशमेंट देने ही देना है, वो सत्तार साहब जो एसीपी टाउन प्लानिंग के है उनके ऊपर भी केस बुक होता है, वो पैसा छोड़ते हैं उनके ऊपर भी होता है, और जो घर वाला है उसके ऊपर भी होना है, नाना किशोर साहब क्या बोल रहे, उन्होंने भी ठीक है नहीं छोड़ेंगे साहब बोल के, उन्होंने भी तयफोन दिए, अब उनको लेटर जाएंगे यहाँ से, दाना किशोर साहब को भी जाएंगे, दाना किशोर साहब की नॉलेज में नहीं था, बाद में आया नॉलेज में, तो हम इंशाल्लाह उसको हासिल करके रहेंगे, वहां पर बनाएंगे मस्जिद, बोल दिया ना, वक्फ से क्या तय होने से, अभी वक्फ से ये तय होने के मस्जिद जाती मस्जिद रहेंगी, आशुरखाना जो था आशुरखाना रहेगा, और वहां पर यही नहीं कहीं भी तेलंगाना स्टेट में कहीं भी ऐसी हरकत कोई भी करना है तो इमीडिएट वक्फ की नॉलेज में लाइए, हम इमीडिएट एक्शन लेंगे, और जहां मस्जिद है जहां ग्रेवयार्ड से हर चीज जैसी है वैसी रहेंगी, ये केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, ग्रेवयार्ड रहो या मस्जिद रहो या दरगाह रहो क़यामत तक वफ रहती, समझे? मस्जिद को क्या फिर वक्फ बोर्ड बनाएगा तामीर के लिए? वक्फ बोर्ड
अभी बोला ना मैं वक्फ प्रॉपर्टी मस्जिद बराबर बनेगी वहाँ नहीं, कौन बनाएगा वक्फ? अरे भाई मैं बनाऊंगा पर्सनल उससे, या वक्फ बोर्ड बनाइए या गवर्नमेंट बनाएगी, बहरहाल मस्जिद बनाएंगे वहाँ, मस्जिद नहीं का सवाल नहीं रहेगा वहाँ। और कल इमीडिएट जोहर की नमाज भी मैं वहाँ जाके पढ़ने वाला हूँ। मैं उनसे बात ही नहीं कर रहा भाई। नहीं, सीओ फाइल यहाँ पर है वकबोर्ड में, सीओ साहब को वकबोर्ड को नहीं आया दो दिन से, तो ये फाइल अभी उन्होंने देखेंगे, देखने के बाद में मंगा के देखेंगे। दो दिन की बात है, तुम लोग गए थे ना इससे पहले सर्वे? तो आईएनएस न्यूज के तमाम ग्रुप मेंबरान को मेरा सलाम। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, हमारे यूट्यूब चैनल आईएनएस न्यूज को आप सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारी हिम्मत अफजाई है। फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमको सब्सक्राइब करें। जजाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।